अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में रियल मनी ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जहां पर इस वेबसाइट का मैंने अकाउंट बनाना सिखाया है और इस वेबसाइट की तमाम तर छोटी मोटी डिटेल मैंने आप लोगों को पहले दी है। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि आफ्टर क्रिएटिंग आर अकाउंट हम लोग इस पर काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसके टास्क होते हैं जिनको हम परफॉर्म करके अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हमारे अर्निंग हमारे अकाउंट में आती है। ये तमाम तर वीडियो इसी के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई वीडियो और इस वीडियो को टिल द एंड आपने पूरा देखना है ताकि आपको हर चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक दैट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं छोटे छोटे टास्क करके। तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपने सबसे पहले सिंपली कहाँ जाना है, कैटेगरी में जाना है, सर्च, क्लिक और इंगेज। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है और कुछ देर वेट करने के बाद आपके पास बहुत सी जॉब्स और टास्क आ जाएंगे। ये तमाम तर टास्क डेली के अपलोड होते हैं। ये मैं सोचिएगा कि आज हमने काम कर लिया तो अगले दिन कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। डेली के ये देखें इन्फिनिटी, बहुत से आपके पास टास्क अपलोड होते हैं जहाँ पर आप डेली के ये टास्क कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टास्क हैं और आपके ये दिन में हर रोज़ अपलोड होते हैं। और आपने सिंपली करना क्या है, किसी भी एक टास्क पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं इस टास्क पर क्लिक कर लेती हूँ, ये देखिए 0.05 कुछ सेंट्स हमें ये पे करेगा आफ्टर क्रिएटिंग अ टास्क। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम सबमिटिंग अ टास्क, जैसे ही आप पहला आप अपना टास्क सबमिट करने लगेंगे तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए वो कहेगा। तो ये बहुत सी सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आप फीमेल हैं तो फीमेल पे, मेल हैं तो मेल पे क्लिक करें और डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बिल्कुल सही देनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं और मंथ है फर्स्ट एंड 1998 और योर सिक्योर सिटी, हमारे पास सिटी जो है हमारे पास है, कुछ भी यहाँ पर आपने सिटी दे देनी है जो आप लोगों की है। यहाँ पर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है, कुछ भी, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। आपने ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए देना है क्योंकि ये एक वेबसाइट अर्निंग वेबसाइट है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए, आप ही के पैसों की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने वो वाला क्वेश्चन देना है जो आप सिर्फ जानते हो और कोई जानता ना हो। मैं तो अभी इसका रेंडम कोई भी आंसर दे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ भी इसका आंसर लिख दिया है, आपने इसको सेव पर क्लिक करना है और हियर यू गो। बस आपने ये पहली दफ़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आपने पुट करना है, हर दफ़ा आपसे ये डिमांड नहीं की जाएगी। बाद में अब आपके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आपको टास्क दिया है और दिखाया गया है। सबसे पहले आप इसके इंटरफेस को अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर जिसने काम यहाँ अपलोड किया हुआ है उस पर्सन का नाम हमें दिखाई दे रहा है, उसकी जॉब आईडी है जहाँ से हम देख सकते हैं कि जिसका हम काम कर रहे हैं वो बंदा ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो भी पर्सन होते हैं वो ठीक वैलिड होता है, कोई फेक नहीं होता, तो वो आपको पे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें कि टाइम टू रेट, अब वो रेटिंग यानी कि आपको पैसे आपकी जॉब टर्न करने का कितने दिनों के दरमियान में दे सकता है, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं 7 डेज़ के दरमियान में दे सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जितने भी टास्क टर्न किए जाते हैं सर्च और इंगेज के कैटेगरी में रहते हुए, तो वो आपको विदिन अ 1 डे और विदिन अ 1 आवर ही आपको पेमेंट आ जाती है आपके अकाउंट में। लेकिन इन केस जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, कि जैसे कुछ एक दो टास्क हैं वो पेंडिंग पर भी चले जाते हैं लेकिन वो 7 दिन से ज़्यादा पेंडिंग पर नहीं जाते। आपको 7 दिन के दौरान आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो आपको 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आप लोगों की अर्निंग जो आपने एक टास्क किया हुआ एक दिन में वो आप कर सकते हैं। तो इसके काम करने का तरीका ये है कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करें और बाद में अपना बाकी सब काम करते रहें और इस पर काम करके छोड़ दें इस वेबसाइट को, और आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में आ जाएगी और बाद में आप विड्रॉ करवा लीजिएगा। सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम वर्कर्स, यानी हमने उनको काम क्या करके देना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि गो टू दिस वेबसाइट,
इस पर हमने जाना है, क्लिक द पोस्ट टू विजिट द वेबसाइट। हमने वेबसाइट यहाँ पर जो वेबसाइट हमें इस यूआरएल पर क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट आएगी वहाँ पर जो पोस्ट होंगी उस पर क्लिक करना है और 10 रीसेंट पोस्ट को हमने विजिट करना है। हम काम करना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाती भी जाती हूँ। इसको जस्ट आपने सिंपली कॉपी किया, नेक्स्ट यूआरएल पर आके पेस्ट किया और इंटर कर दिया। वेट करते हैं, कुछ देर में हमारे पास ये लोड हो जाएगा। ओके कम ऑन। ठीक, तो आपके पास जैसे ही आएगा तो आपने क्या उन्होंने क्या कहा हुआ है, सेकंड क्लिक द पोस्ट टू विजिट द वेबसाइट। आपने सिंपल इस पोस्ट पे क्लिक करना है और आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आपके पास ये वेबसाइट आ गई। अब वो क्या कह रहा है आपके पास कि 10 रीसेंट पोस्ट को आपने विजिट करना है। हम 10 रीसेंट पोस्ट को एक ही दफ़ा ओपन कर लेते हैं किसी एक जगह पे। ये आपके पास हैं, पोस्ट आ गई हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास पोस्ट है। आपने वन बाय वन इनको ओपन करते जाना है। थ्री फोर फाइव, हमारे पास फाइव पोस्ट हमारे पास ओपन हो गई हैं। इसके बाद आपने किसी भी होम पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा पोस्ट हमें नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास देखें तमाम तर रिसर्च जो उसने पोस्ट की थी वो तमाम तर पोस्ट आ गई हैं। अच्छा, जो पोस्ट होती हैं अगर किसी को नहीं पता तो मैं वो एट द वेरी बिगनिंग अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको मैं बता दूं कि पोस्ट इस तरह से होती हैं कि जहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है और ये इस तरह से दिखती हैं। तो आपने उसको सिंपली वन बाय वन ओपन करते जाना है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9 and 10 ये आपके पास 10 वेबसाइट्स 10 पोस्ट हमारे पास ओपन हो गई हैं। अब उन्होंने कहा है कि वन मिनट आपने वेट करना है। एज यू कैन सी हम देख लेते हैं वेट फॉर वन मिनट। और आप लोगों को मैं एक चीज़ का आइडिया दे दूं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन्होंने वन मिनट कहा है तो आप वन मिनट ही वेट करें। तो आप उसको नेचुरली भी काम कर सकते हैं, यानी कि नेचुरली अगर मैं काम कर रही हूँ तो ये मुझे अप्रोक्सीमेटली वन मिनट हो ही गया है। तो उसको ज़्यादा देर तक वेट करना इट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर वो नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्लिक वन बैनर एड। अच्छा, आपने यहाँ पर साथ साथ ये भी चीज़ आपने गौर से देखते जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि जो हम ऊपर परफॉर्म करें, नंबर 3 तक हमने परफॉर्म कर लिया है तो हमने उसको कुछ प्रूफ भी देने हैं। यानी वो कह रहा है कि URL ऑफ एनी पोस्ट यू विजिटेड इन स्टेप 2, किसी भी एक पोस्ट का आपने URL उनको देना है जो आपने स्टेप 2 के अंदर विजिट की है। अब यहाँ पर जो मैंने ये वाली वेबसाइट यानी ये पोस्ट मैंने विजिट की है इसका कोई भी URL मैं दे सकती हूँ। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसका URL दे देती हूँ। URL क्या होता है, आपके ये वाली बार यहाँ पर जो आपका HTTPS वाला होता है आपके पास, ये तमाम सारा आपके पास URL होता है। आपने जस्ट इसको सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पर आके URL ऑफ एनी पोस्ट यहाँ पर आके टाइप योर प्रूफ को पेस्ट कर देना है। सिंपल, आपके पास फर्स्ट प्रूफ डन हो गया। अब सेकेंड प्रूफ वो क्या कह रहे हैं, URL ऑफ 2 एड्स इन द 3 and 4, क्योंकि 3 और 4 हमने अभी किया नहीं है तो वो देख लेते हैं। अब हमारे पास 4 में वो क्या कह रहा है, 3 तो हमने विजिट कर लिया था, 4 में वो कह रहा है, यहाँ पर गौर करें कि क्लिक वन बैनर एड वेट वन मिनट। वन बैनर एड को आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। एड्स क्या होते हैं, ये चीज़ ऐड होती है जहाँ पर ये देखें, ये जैसे मैंने इसके ऊपर लेकर आई हूँ एड्स बाय गूगल लिखा हुआ है, ये आपके पास एड्स होते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक द वन बैनर एड और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वेट फॉर द वन मिनट, लेकिन हम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेट फॉर द वन मिनट। तो आपने इसका जस्ट क्या करना है, प्रूफ उन्होंने क्या कहा, URL ऑफ 2 एड्स हमने जो पहला ऐड किया है देखा है उसका URL हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास URL है, इसको करते हैं हम कॉपी और यहाँ 2, यहाँ पर स्टेप 2 में वो प्रूफ मांग रहे हैं वहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है। इंटर प्रेस कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरा URL भी पेस्ट करना है, 2 एड्स हैं। तो आप देखें कि क्लिक ऑन अनदर बैनर एड के ऊपर हमने क्लिक करना है तो यहाँ पर कोई और बैनर एड देख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो। ये देखें हमारे पास ये भी बैनर एड अवेलेबल है तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये सर्च होगा
से इसका हमने यूआरएल सिंपली कॉपी करना है, पीछे आना है इसके ऊपर और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। आपके पास दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। किसी के दो से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, लेकिन वो इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टास्क हैं, आपने सिंपल ये देखें, उसने जो आपसे मांगा है वो आपने उसको दिया है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने प्रूफ उसको सेंड किए हैं कि मैंने ये भी काम कर दिया है, और सबमिट द प्रूफ के ऊपर क्लिक करेंगे और वो देखें, ग्रेट, टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, बैक टू द वर्कर पेज। आपके पास वो कहेंगे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखें, ये पेंडिंग पे आपके इतने सेंट्स पेंडिंग पे चले गए हैं, 0.04। देखा, आपने फ़ौरन काम किया है और फ़ौरन आपके पेंडिंग पे इतने चले गए हैं। अब ये पेंडिंग पे जो आपके गए हैं वो आपके अर्नड यानी इस यहाँ पर कब आएंगे, तो वो मैंने आपको पहले बताया है कि वो आपको 1 या 2 घंटे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इन केस अगर वो डिले हो भी जाएँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी जितने यहाँ पर दिन लिखे होते हैं, 3 डेज रेट, 1 डे रेट, तो उतने दिन के अंदर आ जाते हैं। अब वो आपकी जॉब पर डिपेंड कर रहा है कि आप जो जॉब ले रहे हैं वो कितने डे की रेट या डेज़ के रिव्यू पर पड़ी हुई है। अगर तो एम्प्लॉयर ने कहा है कि वो 3 डेज रेट है, तो वो 3 दिनों के अंदर आपको उसकी पेमेंट कर देगा। अब एज यू कैन सी कि हम यहाँ पर माई टास्क पर जाएंगे, फिनिश टास्क हमारा 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माई टास्क की हिस्ट्री में आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका फिनिश टास्क है जो आपने 59 सेकेंड के पहले किया है, और जैसे आप इसके चेक करते हैं तो ये इन रिव्यू में पड़ा हुआ है और ये पेंडिंग रेटिंग है, ठीक है। और जैसे आपकी पेंडिंग होगी रिव्यू की लिस्ट से, ये आपका आ जाएगा अर्निंग में, ठीक है, बात समझ रहे हैं। आपकी ये आ जाएगा फ़ौरन आपका अर्न में आ जाएगा और आपके फिनिश टास्क से सेटिस्फाइड और पेड में चला जाएगा। ये देखें, अगर आप देख रहे हैं फिनिश टास्क 1 है तो पेंडिंग रिव्यू में 1 टास्क पड़ा हुआ है, जैसे ही आपका आधे घंटे में ये सेटिस्फाइड होगा तो सेटिस्फाइड और पेड में चला जाएगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये यहाँ पर आएगा आप उसे विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो होपफुली आपको तमाम तरीके का समझ में आ गया होगा कि हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है, टास्क कैसे डन करने हैं, कैसे पेंडिंग और रिव्यू में जाते हैं और हमारे अर्न में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना पिछली वीडियो में भी लाइव प्रूफ भी दिखाया था कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे काम किया था और यहाँ पर मुझे $6 मेरे पॉकेट में आ गए हैं और ये मैं विदड्रॉ करवा सकती हूँ। अच्छा, विदड्रॉ करवाने के लिए अब कौन सी चीज़ें और कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं। विदड्रॉ कराना बहुत आसान है, या तो इसके लिए पेपाल अकाउंट या स्क्रिल अकाउंट या क्रिप्टो करेंसी कोई भी अकाउंट, यहाँ पर देखें बहुत से अकाउंट आपको दिए हुए हैं, ये आपके पास होने चाहिए और आप इसे डायरेक्ट भी विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो इन केस मेरे जैसे मैंने विदड्रॉ करवाए हैं इसके लिए, वो बहुत आसान है। मैंने स्क्रिल का एक अकाउंट क्रिएट किया है जिसके ज़रिए से ये विदड्रॉ हो जाते हैं और आप स्क्रिल से फिर जैस कैश वगैरह से विदड्रॉ करवा सकते हैं, और इसके लिए आपकी जो डिडक्शन होती है वो भी बहुत कम होती है। वो भी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में विदड्रॉल के ऊपर पूरी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि विदड्रॉ आप कैसे निकलवा सकते हैं और लाइव प्रूफ भी आपको दिखाया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम विदड्रॉ करवाएंगे। तो आप इसके ऊपर बस अर्निंग स्टार्ट करें और इट इज़ अ रियल वेबसाइट, इंशाल्लाह आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इट्स नॉट टू मच दैट कि आप लाखों नहीं कमा लोगे इसके साथ, मैं ऑनेस्टली आपके साथ अगर बात करूं तो आप इससे लाखों नहीं कमा सकते, लेकिन आप इससे अपनी कुछ पॉकेट मनी सेव कर सकते हैं या कुछ होस्टिंग के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। ये अब आप पर डिपेंड कर सकता है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। अगर हम रिक्वेस्ट विदड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है उनकी छोटी सी कि आप जो डॉलर्स हैं वो 5.75 आपके तकरीबन होंगे, तो आप फिर ही विड्रॉ करवा सकते हैं, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं निकलवा सकते। तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, अगर आप दिन में 2 घंटे भी काम करेंगे तो होपफुली आप लोगों का $5 बन जाएगा और आप उससे इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ा सा काम करोगे तो उसके ऊपर काम हो जाएगा जल्दी से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विड्रॉल व्हेन यू हैव ओवर $5.75 इन योर अर्नड बैलेंस, यानी कि यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो इतना होना चाहिए जिससे आप विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विदड्रॉ निकलवा सकती हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि विदड्रॉ कैसे लाइव निकलवाया है मैंने। तो यू कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम द स्पेंडेबल बैलेंस, यानी अगर यहाँ पर आपने ये तो आपका चक्कर एक डिफरेंट चक्कर है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि यहाँ पर जो बैलेंस आता है वो क्यों आता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों का कोई लिंक नहीं है, आपका सिर्फ इस वाले और इस वाले पर लिंक है। तो विदड्रॉल आर प्रोसेस विद इन 10 बिजनेस डेज, यानी
कि आपका जो विड्रॉल है, जैसे ही आप प्रोसेस करोगे, वो 10 दिनों के दरमियान दरमियान में आपके पास आ जाएगा। ओके, तो आप अगर स्क्रिल के साथ करवाते हो तो आपका विड्रॉल जो है वो 5.75 और 7.7% सिर्फ आपकी फ़ीस कटेगी। यानी कि अगर आप देते हैं $6 भी करवाते हैं तो 5.75 आपके विड्रॉल में आ जाएंगे। तो इट्स अ वेरी रीज़नेबल अमाउंट और बहुत ही आसान अमाउंट है जिससे आप स्क्रिल से JazzCash में अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं। और ये बहुत आसान है, छोटा सा एक प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपने इसके टास्क पे फोकस करना है, तो जो मैंने आपको सिखा दिए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इफ़ यू लाइक माई वीडियो और इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट ऑल प्रोसीजर, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट सो यू कैन गेट ऑल ऑफ माई वीडियोज़। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगी वहाँ पर इंशाल्लाह। तो सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।